और टेस्ट करके देखते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं, काफी अच्छा है, कपल्स के लिए काफी अच्छा है। ये भी उड़न का बना हुआ है, काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए काफी लग्जरी एम्बियंस है, देवरिया से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरी कैफे का वीडियो। और हमारे साथ हैं आज हमारे दोस्त कपूर भाई। और दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ का एड्रेस बता दूं, तो अभी हमें सीसी रोड में, और सीसी रोड में जैसे आप लोग आएंगे तो आपको दिख जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट जिसका नाम है इग्नाइट। और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा। और बाहर से आप लोग इसका देख सकते हैं इंटीरियर, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे। कैसा लगा भाई कपूर भाई आपको? भाई देवरिया का बेस्ट एम्बियंस। जी हाँ दोस्तों, देवरिया का बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि भाई इसके अंदर का जो एम्बियंस है ना और बाहर का इंटीरियर है जो ना, एक नंबर भाई। ऐसा रेस्टोरेंट जो आपको ना दिल्ली बॉम्बे में ही मिलेगा देखने के लिए, लखनऊ वगैरह मिलेगा, देवरिया में तो ऐसा रेस्टोरेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है जिसको इतना खूबसूरत बनाया गया है। और बाहर से आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाकी इनका बोर्ड भी दिया हुआ है जिसपे मेंशन किया हुआ है वेनेसडे का ऑफर, पिज्जा प्लस कॉफी है 190 का, यहाँ कॉम्बो लगा दिया गया है, वेज बर्गर है प्लस टी है 59 का, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से एंट्री है, चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर चल के, और यहाँ का फूड वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे, पहले आपको यहाँ का टूर करा देते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं इग्नाइट के अंदर। इग्नाइट काफी यूनिक नेम है और ऐसा रेस्टोरेंट मैंने इस नाम का नहीं देखा है कहीं। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक नाइट का मतलब होता क्या है। बाकी आइए करते हैं। और डोर वगैरह भी काफ़ी खास है, उड़न का बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए काफ़ी लग्जरी एम्बियंस है, एम्बियंस फूड है, ऐसे एम्बियंस वाला रेस्टोरेंट अभी तक मैंने अपने देवरिया में नहीं देखा है। सिटिंग एरिया देख सकते हैं, काफ़ी बड़े में दिया गया है, इस साइड भी देख लेंगे। बाकी ये जो ऊपर थूमर वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं, फुल टू एयर कंडीशन है। पर आइए अंदर आपको और दिखाते हैं। सेकंड सेशन आप लोग अंदर आएंगे, इनका सेकंड सिटिंग एरिया है जहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। आप लोग अगर फैमिली के साथ आते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के जो है मेन कोर्स का आनंद ले सकते हैं, या फिर जो भी आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं फैमिली के साथ आके आराम से प्राइवेसी में बैठ के। और यहाँ का भी एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा जल्दी देख सकते हैं, ये भी पूरा फुल टू एयर कंडीशन है। तो दोस्तों ये जो सिटिंग एरिया है ना, ये फैमिली के लिए बेस्ट है, आप लोग आइएगा रात में डिनर वगैरह करने तो काफ़ी अच्छा लगेगा, एम्बियंस तो एकदम गुड है। और दोस्तों अभी तो ये जस्ट टेलर है, अभी तो पिक्चर अंदर बाकी, आइए आपको दिखाते हैं। और जैसे आप अंदर एंटर करेंगे आपको काफ़ी अच्छा गैलरी मिलेगा जहाँ पे आप लोग सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे खड़े होके मस्त रील वगैरह शूट कर सकते हैं। और आइए अंदर आपको ले सकते हैं, जैसे अंदर आएंगे आपको सामने काउंटर दिख जाएगा, कैश काउंटर। और आइए पहले हम यहाँ के ओनर से आपको मिलवाते हैं। हेलो भैया, हेलो, क्या हाल चाल? सब मस्त। पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक रावत है जी। ये हाल ही में 2-4 दिन पहले ही ओपनिंग हुआ है रेस्टोरेंट, हम आपके बीच नया लाए हैं, आप देख सकते हैं, ये बता ही सकते हैं कि कैसा काफी लग्जरी एम्बियंस है। ऐसा रेस्टोरेंट जो अपने देवरिया में नहीं खुला था, मैं ऐसा रेस्टोरेंट जो है लखनऊ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में देखा था उन्हें, वही से मतलब हम लोग हर जगह विजिट करके ही हम लोग कुछ ना कुछ कहा से ला कर जी हमें यहाँ बनवाए हैं, हमें सही लगा, टाइमिंग लगे लेकिन खुलवा दिया हमने बाकी आप लोग ये मोटेल्स वगैरह ले सकते हैं, काफी अच्छा डेकोरेशन करके भैया रखे हुए हैं। और इधर जो है आई लव माँ पापा का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जो कि कुछ दिन से बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है इंटरनेट पे, ये जैसे ही रिवील हुआ है। बाकी इधर जो है आपको एक काउच मिल जाएगा बैठने के लिए, इधर आप बैठ के मोटेल्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिन वगैरह मिल जाएगा, मिरर वगैरह मिल जाएगा, और साथ में आपको टॉयलेट वगैरह की सुविधा है मिल जाएगी, काफी अच्छी बात है। बाकी इनका एक प्राइवेट जो केबिन है, यहाँ पे आप लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर कोई किटी पार्टी करना चाहे तो कर सकता है। तो कुछ इसका चार्ज है? नहीं नहीं चार्ज नहीं, बुकिंग का चार्ज नहीं है कुछ, बस जो भी फूड वगैरह लेंगे उसका चार्ज होगा। आइए आपको दिखा देते हैं, काफी अच्छा है, कपल्स के लिए काफी अच्छा है, ये भी काफी ज्यादा स्पेस वाला है, यहाँ पे 15 से 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं है, पहले से देखिए काफी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। बाकी पूरा जो है एयर कंडीशन है फुल, पार्टी के लिए आप लोगों को काफी अच्छा इधर स्पीकर भी मिल जाएगा जो कि सोनी का मुझे दिख रहा है, क्या चाहिए पार्टी में, मस्त म्यूजिक
और गुड एम्बियंस और बेस्ट फूड, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। और इधर सेल्फी पॉइंट इधर भी बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, तो इधर आप लोग पापा की परी है, पापा का परा भी बन सकते हैं ऐसे। और काफी अच्छा लगा मुझे एम्बियंस, काफी ज्यादा खूबसूरत है भाई, सबसे ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। बाकी सीटिंग एरिया भी काफी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं बैठने के लिए काउच लगा के हैं, टेबल्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि काफी अच्छे लगे। बाकी अब चलते हैं हम इनके मेन फूड पे, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम चल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा और टेस्टी जो है फूड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, आइए टेस्ट करते हैं फिर टेस्ट करके बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो अपना आइटम ऑर्डर किया था वो आ चुका है, और एक नाइट का एम्बियंस और एक नाइट का फूड दोनों ही लग्जरी है। और अभी हम बैठे हुए हैं एकदम फ्रंट एरिया में, अब बाहर देख सकते हैं आप लोग, सड़क का भी नज़ारा हमें दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और फूड्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग, देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुँह में पानी आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको आना पड़ेगा एक नाइट देवरिया सीसी रोड में। अगर आप लोग गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, बाकी इनका इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा। और आइए सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको हर तरह का जो है कुजीन मिल जाएगा। बाकी अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है आलू पराठा देख सकते हैं, एकदम गर्मा गर्म, और साथ में हमारे पास है कॉफ़ी, ये देखिए एकदम गर्मा गर्म कॉफ़ी है। और इधर जो है चिकन लॉलीपॉप है, और ये है फिंगर चिप्स, और इधर है पनीर चिल्ली, और इधर हमारे काबिल दोस्त के लिए है पराठा, आलू पराठा। तो आइए सबसे पहले आलू पराठा टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है आलू पराठा, और साइज़ भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, चार पीसेस में हमें काट के दिया गया है ये देख सकते हैं। और इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, आलू वगैरह स्टफ किया गया इसमें। तो दोस्तों आलू पराठा का जो टेस्ट है एकदम घर वाला आ रहा है, और ये साइज से बटर लगा के बनाया गया है। बाकी यहाँ पर सॉस भी रखा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है सॉस इसलिए मैंने सॉस नहीं लिया। और मुझे जो है आलू पराठा चाय या कॉफ़ी के साथ अच्छा लगता है, आलू पराठा का टेस्ट एकदम बेस्ट लग रहा है, एक नंबर टेस्ट है भाई, एकदम गरम गरम है, टेस्टी लग रहा है। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग फिंगर चिप्स, और इस तरह से सर्व करके खाने का मैं बहुत दिन से सोच रहा था, पर मुझे किसी रेस्टोरेंट में देवरिया में मिलता ही नहीं था। फोटो मैंने इस तरीके से देखा था कि फिंगर चिप्स इस तरीके से दिया जाता है, पर यार एक नाइट जो है ना काफ़ी लग्जरी रेस्टोरेंट है ये, तो इसीलिए आपको सब कुछ लग्जरी एकदम तरीके से सर्व करेगा। तो आइए इसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं, यह सॉस भी देखिए बगल में दिया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, मस्त है भाई, एकदम गरम गरम है, और ऊपर से जो मसाला ये हल्का सा डाला गया है ना उसका कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं इधर है चिल्ली पनीर, और साइज़ देख सकते हैं चिल्ली पनीर का काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग एक नाइट आते हैं ना तो आप यहाँ से नाराज़ होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ का फूड इतना टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग ये साइज़ देख सकते हैं पनीर का, बहुत लोगों को शिकायत रहता है कि चिल्ली पनीर में जो है पनीर का साइज़ छोटा रहता है, पर देख सकते हैं साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें शिमला मिर्च डाला गया है, चीज़ डाला गया है, कैप्सिकन है, ऑनियन है, और क्या कहते हैं ग्रीन चिल्ली है, और आइए टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट। ये देखिए जो पनीर है काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में है, और इसको हम काटते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको सॉस के साथ खाते हैं। ओ भाई साहब क्या टेस्ट है, एकदम जो है ना जूसी सा है पनीर देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऊपर से आप लोग टेक्सचर इसका देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हुआ है पूरा, एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर। बाकी इधर है लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, और ये जो है ना मेरा और मेरे बैक में जो हमारे फ्रेंड है उनका फेवरेट है, क्योंकि उनके मुंह में पानी आ रहा है। और दोस्तों ये बहुत सारे लोग पसंद करते हैं लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, अच्छा चिकन लॉलीपॉप अगर मिल जाए ना फिर क्या ही कहना। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा है, डेकोरेशन देखिए काफ़ी अच्छा है, फुल टू लग्जरी डेकोरेशन करके दिया गया है, और टेस्ट करके देखते हैं भाई साहब। ये जो चिकन है फ्रोजन चिकन नहीं है, ये मार्केट से लिया हुआ चिकन है, एकदम ताज़ा चिकन है, और काफ़ी अच्छे तरीके से कुक किया गया है, पूरा एकदम सॉफ्ट है देख सकते हैं, और डेकोरेशन वगैरह देख सकते हैं, खाने में भी एक नंबर लग रहा है ये। तो दोस्तों अभी हमने जो है ना एक नाइट का जो है फूड ट्राई किया, जिसमें था पनीर चिल्ली था, फिंगर चिप्स था, आलू पराठा था, दूसरा था जो है
चिकन लॉलीपॉप जो कि काफी ज्यादा टेस्टी लगा। और बाकी हमारे दोस्त खाने कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ का फूड अब तक का? एक नंबर। और एम्बियंस? एम्बियंस तो भाई कोई टक्कर नहीं दे, कोई टक्कर नहीं दे सकता देवरिया में, इतना बढ़िया एम्बियंस बनाया गया है। बाकी एम्बियंस के साथ साथ आपको लग्जरी फूड भी मिलेगा और टेस्ट भी बहुत बेस्ट मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करें तो भाई साहब आप लोग जब मेनू देखेंगे ना तो कहेंगे भाई इससे सस्ता तो अभी तक किसी रेस्टोरेंट में नहीं है देवरिया में, इतना सस्ता यहाँ पे आपको फूड्स मिलेगा। क्यों भाई? जैसे जिस हिसाब से यहाँ का एम्बियंस है और फूड है जी, मतलब मान के चलिए रेट एकदम नॉर्मली रखा गया है। जी हाँ एकदम नॉर्मली रेट है। जब आप लोग आएंगे ना इग्नाइट सीसी रोड में तो आपको खुद पता चलेगा कि इसका रेट जेन्युइन है कि नहीं। और टेस्ट भी आप लोग करेंगे ना तो भाई साहब एक नंबर लगेगा, क्योंकि सारा फूड जो है प्रोफेशनल शेफ के हाथ से बना हुआ है। बाकी हमारे काबिल दोस्त पराठा और चाय खा रहे हैं गर्मा गर्म। तो दोस्तों अभी हमने जो है इग्नाइट का फूड ट्राई किया अलग अलग, जैसे लॉलीपॉप खाया जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और भैया काफी ज्यादा टेस्टी बनवाए। तो मान लीजिए अगर हमारे साथ भैया भी हैं यहाँ के ओनर और इनसे पूछते हैं भैया अगर कोई भी डिश अपने हिसाब से बनवाना चाहे तो उसे भी बन सकता है? हाँ हाँ सेम, जो आपका मतलब जो आपको खाने का मन करे जी वो बने, वही बने, टेस्ट के हिसाब से बोले या स्पाइसी मतलब कुछ भी आपको स्पाइसी पसंद है तो आप बोल सकते हैं भैया से कि स्पाइसी बनवा दीजिए या फिर नॉर्मल लाइटली जैसा भी आप खाना चाहते हैं सब बनवा। कुछ दिन में हमारा बिरयानी शॉप है बम्बू बिरयानी, बहुत नाम बम्बू बिरयानी। अरे भाई साहब अभी अपने देवरिया गोरखपुर में कहीं ऐसा कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए बम्बू समझते हैं, बम्बू में बना हुआ बिरयानी आपको खाने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सबसे मतलब उम्मीद को लगता है कि जैसे कि 1 तारीख को न्यू ईयर के बाद से ही मिलेगा हमारे लिए, वो स्पेशल ऑफर स्पेशल रहेगा न्यू ईयर पे, कुछ नया दे पाए हम लोग इसीलिए। एज ए ओनर आप हमारे देवरिया की जनता को क्या कहना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं एक बार आप लोग आइए जी, विजिट करिए, आपको जो अच्छा लगे आपको जो आपको लगता है फूडिंग ने बताया दिए कैसा है कैसा नहीं, बहुत टेस्टी यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हर चीज का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि हमें बस आप लोग को खुश करना है, खुश करने के लिए ही खोला गया कि आप खुश रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। आपका ही प्यार चाहिए, आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग का। अब भैया लोग तो जितना लग्जरी यहाँ का एम्बियंस है उससे ज्यादा कम प्राइस यहाँ का फूड का है, मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लोग बैठते हैं तो ज्यादा फूडिंग मतलब कॉस्ट देख के हम लोग ये कहते नहीं ये नहीं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ऐसे करना ही नहीं है जी। ये हो कि बस ये गए तो और कुछ भी खा लो उतने ही में, हम लोग इसी मानते रहे कि देवरिया के लोग को कि हाँ भैया कुछ ना कुछ नया नया कुछ कम पैसे में कुछ अच्छा मिल जाए जी, उन लोगों के लिए बेस्ट है हम लोग के लिए बेस्ट है, उन लोगों का प्यार भी मिल जाएगा ना उसी बारे में जी। दोस्तों मेरा रिकमेंड है कि आप लोग एक बार जरूर आइए सीसी रोड में इग्नाइट पे, बाकी इनका इंस्टाग्राम आईडी भी वहाँ पे भी डेली अपडेट होते रहता है। और अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा तो गूगल मैप के सहारे भी आ सकते हैं, गूगल मैप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आराम से आ सकते हैं। और मेरे कहने पे एक बार आइए आप, अगर यहाँ का फैन नहीं हो गए तो फिर बताइएगा, यहाँ का फूड क्वालिटी इतना अच्छा है एम्बियंस के साथ साथ, बाकी प्राइसिंग वगैरह आप लोग देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पहला से कमेंट कर दीजिएगा, अब तक अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।